हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया पवार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि न्यू वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। सो दोस्तों, गांधी गोडसे एक युद्ध, ये जो मूवी है वो 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। दोस्तों, जैसे ही इसका ट्रीज़र रिलीज़ हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हाइप मच गया है कि आखिर क्यों, किस तरह से गोडसे ने जो है वो गांधी को गोली मारी है, गांधी जी को। तो ये देखने में जो है बहुत मज़ा आने वाला है। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने हमेशा गांधी जी की तरफ से ही सुना था, बट अभी इस मूवी के दौरान जो है राजकुमार संतोषी जी जो इस मूवी के डायरेक्टर है, तो वो गोडसे के पॉइंट ऑफ से इस मूवी को प्रदर्शित करने वाले हैं कि आखिर क्यों गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, आखिर क्या रीज़न था। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवी को अभी ये दिखाया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, जो हिस्ट्री है वो और भी डीप से हमें जानने का मौका मिलेगा इस मूवी के दौरान। तो ये जो मूवी है दोस्तों, वो 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है सिनेमाघरों में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, सुनने में तो ये भी आया है कि ये जो मूवी है पठान के साथ क्लैश होगी, बट अभी ये कितनी हद तक इस बात में सच्चाई है यही नहीं पता, क्योंकि 10 जनवरी को पठान मूवी का जो ट्रेलर है वो रिलीज़ होने वाला है। तो फिलहाल अभी ये रूमर्स है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। राजकुमार संतोषी जी के जो मूवीज़ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने होते हैं, तो उनके डायरेक्शन में बने हर एक मूवी जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो इतना ये जो हाइप क्रिएट कर रहा है, बस क्रिएट कर रहा है, तो देखना तो पड़ेगा ही दोस्तों कि ये हिस्ट्री किस तरह से चेंज होने वाली है और एक इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बदलने वाला है इस मूवी के थ्रू। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों, 26 जनवरी को ये जो मूवी है वो रिलीज़ होने वाली है। तो अभी तक आपने गांधी की ओर से एक युद्ध का ट्रीज़र नहीं देखा है, देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये ट्रीज़र आपको कैसा लगा। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।